हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों देखिए, कल का दिन जो है वो आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दिन गुजरा हुआ है। जैसे कि आप सभी लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे जो 21.5 का अपडेट दिया गया था, जिस अपडेट को करने के बाद लगभग भारत की हर आंगनबाड़ी सेविका बहन जो है वो परेशान हो गई थी कि पोषण ट्रैकर ऐप में कैसे लॉगिन करें। जो कुछ भी तरीका था पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करने के लिए वो सारी सेविका बहनें अपना रही थी, फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने आप लोगों को कल शाम को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को बोला था कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो है सर्वर की इशू जो है अब ठीक हो चुके हैं। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें उस वीडियो को देख के लॉगिन भी कर चुकी थी, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में सभी सेविका बहनें लॉगिन नहीं कर पा रही थी, एम पिन चेंज नहीं कर पा रही थी। तो उस चीज़ को देखते हुए पोषण ट्रैकर ऐप की जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने फिर से क्या किया है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर एक फिर से न्यू अपडेट आप लोगों के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर ऐप जो 21.6 दिया गया है, इसमें किस प्रकार से आप लोगों को लॉगिन करना है, किस प्रकार से आप लोगों को काम करना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें 3 नए अपडेट आए हैं, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बारीकी से समझेंगे। तो सभी बहनें इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 21.5 के अपडेट में अभी भी बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो है वो अभी पोषण ट्रैकर ऐप में आज के दिन यहाँ पे लॉगिन करने जा रही होंगी, तो वहाँ पे आज भी उनको यही समस्या देखने को मिल रही होगी कि हम लोगों का जो है पोषण ट्रैकर ऐप में अब लॉगिन पेज ही नहीं खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कल के दिन बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो है पोषण ट्रैकर ऐप में अपना जो है एम पिन चेंज कर चुकी होंगी। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं का निदान जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप का 21.6 का एक न्यू अपडेट आ चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोगों का इंटरफेस दिख रहा था कुछ इस प्रकार से, वो इंटरफेस भी आप लोगों का यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए मैं अब आप लोगों को अपडेट करके बता देता हूँ कि जो आप लोगों को कल के दिन प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम अब जो है आज से नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप को फिर से अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप लिख के सर्च करेंगे प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में जैसे ही पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है अपडेट करने का जो ऑप्शन है फिर से आ जाएगा। तो ये 21.6 का न्यू अपडेट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर अपडेट कर लें। तो पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने जो है वो ओपन लिख के आ जाएगा। और ये जो अपडेट है वो कल रात को ही यहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि इसकी जो सूचना मिली पोषण ट्रैकर ऐप विभाग को कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें परेशान है, तो कल रात में ही जो है इसको अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, ये अपडेट करने के बाद जो है अब आप लोगों की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो पहला अपडेट दिया गया है, रोल बैक प्रीवियस वर्जन फॉर ऑथेंटिकेशन इशू, यानी कि आप लोगों के लिए जो है अब फिर से जो है प्रीवियस वर्जन यानी कि पिछला वर्जन जो है उसी को अपडेट कर दिया गया है। अब आप लोगों के सामने जो 21.5 में जो लॉगिन पेज का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा था, जो नया लॉगिन फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा था जिसमें बेनिफिशियरी के लिए भी जो लॉगिन ऑप्शन दिया गया था, वो सारा कुछ यहाँ से अब हट जाएगा इस अपडेट को करने के बाद। अब आप लोग प्रीवियस वर्जन में आसानी से काम कर सकते हैं, अब आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपडेट जो कल भी आया था वो आज भी आया हुआ है, फेस कैप्चर प्रोसेस हैज़ बीन सिम्प्लीफाइड एंड मोर हेल्प आर इंट्रोड्यूस, यानी कि जो फेस कैप्चर के लिए जिस राज्य में जो है इसको लागू किया गया है उसको फिर से यहाँ पर तरीका बनाया गया है कि फेस कैप्चर वहां पे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और यहां पे तीसरे के जगह चौथा अपडेट दिया गया है। ठीक है, इसमें बग के कारण जो है इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिला है, माइनर बग फिक्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में जो है वो 21.6 का अपडेट दिया गया है। तो सभी सेविका बहनें जाइए पोषण ट्रैकर ऐप को, ये जो नया अपडेट है 21.6 इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो अब आप लोगों के सामने जो पिछला वर्जन 21.5 का जो दिखा रहा था वो वर्जन में आप लोगों का कोई भी ना लॉगिन पेज दिखाएगा, ना लाभार्थियों के लिए लॉगिन दिखाएगा, सारा कुछ आप लोगों का यहाँ से चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं अब यहाँ पर जैसे पहले आप लोग लॉगिन कर रहे थे उसी प्रकार से आप लोग लॉगिन करके अपना जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहनों अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जो आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालना है, उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे एम पिन डालना है। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि आप लोग कल के दिन जो है बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो अपना एम पिन को चेंज कर चुकी हैं। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर जैसे जो कल वाला एम पिन आप लोग यहाँ पर डालेंगी तो वो एम पिन आप लोगों का यहाँ पर नहीं लेगा, पुराने वाले एम पिन से जैसे आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर रही थी वही एम पिन आप लोगों को यहाँ पर फिर से डाल देना है।
जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ट्राई किया, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला, फिर उसके बाद मैंने जो कल एम पिन चेंज किया था उसको यहाँ पे डाल के ट्राई कर रहे थे, तो वो एम पिन यहाँ पे ले ही नहीं रहा है। इसलिए आप लोग भी क्या करेंगे कि जो आप लोग का पुराना वाला एम पिन है वही यहाँ पे डालेंगे। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कल जो एम पिन नया बनाए थे उसको यहाँ पे हम लोग डाल के लॉगिन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है इनवैलिड लॉगिन पिन, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड पिन टू प्रोसेस योर लॉगिन। यानी कि कल वाला जो पिन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पे अब क्या करना है कि जो पुराना वाला पिन जो आप लोग बनाए हैं उसी पिन पर आप लोगों को काम करना है, यानी कि पुराने वाले एम पिन से ही आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना है, तो आप लोगों का यहाँ पर सिंपली जो है आसानी से लॉगिन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर जो पुराना वाला पिन है उसको यहाँ पर डाल लेते हैं, डालने के बाद लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमारा पुराने वाले पिन से ही जो है यहाँ पे आसानी से लॉगिन हो चुका है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा।